के बंजार में हुई बस हादसे पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने पर लगी है। तो वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के परिवहन व्यवस्था को पंगु बनाने में उल्टा पूर्व कांग्रेस सरकार को ही दोषी ठहराया। अग्निहोत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राठौर को नसीहत देते हुए कहा कि हादसों पर बयानबाजी देना बंद करें और पहले अपने बिस्तर के नीचे झाड़ू फेरें तब बात करें। कुल्लू के बंजार में हुए बस हादसे पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने पर लगी हुई है। तो वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पंगु बनाने में उल्टा पूर्व कांग्रेस सरकार को ही दोषी ठहराया है। अग्निहोत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राठौर को नसीहत देते हुए कहा कि हादसों पर बयानबाजी देना बंद करें और पहले अपने बिस्तर के नीचे झाड़ू फेरें तब बात करें। एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा की जा रही बस हादसे के बाद बयानबाजी पर एतराज जताया है। उन्होंने माना कि प्रदेश में हादसों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन उक्त हादसा एचआरटीसी का न होकर निजी बस का है। वही उन्होंने हादसे के बाद ओवरलोडिंग पर प्रदेश सरकार की सख्ती को सही बताया, क्योंकि इससे हादसों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था के बुरे हाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकारी तंत्र कहीं फेल नहीं हुआ है और एचआरटीसी की बसों का तो एक्सीडेंट भी प्राइवेट बस का हुआ है, लेकिन प्रदेश में कोई भी घटना दुर्घटना घटती है उसके लिए प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार रहती ही है। इस करके हम उसको ओन करने करते हैं, लेकिन हमारा फेलियर ऐसा नहीं है। कई बार जो सवारियां हैं उनकी जिद के कारण से भी ऐसा हो जाता है, कई बार मशीनरी में फेलियर आ जाता है, कई बार कोई ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हर यात्री को मिले और सुविधा भी मिले, उसके लिए प्रयासरत है। और जो आज जिन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है वो राठौर जी की सरकार के समय ही उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण से आज परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी है। पिछले 5 सालों में जहां इन्होंने स्टाफ की भर्ती नहीं की, कौशल विकास के नाम पर अम्बाली जी इस विभाग को चलाते रहे और जिस ढंग से मनमाने ढंग से एचआरटीसी का पैसा खर्च होता रहा, इसको कर्ज में डुबो दिया गया, ये सारी बातें जो उन्हीं की सरकार के समय में हैं। अपने चारपाई के नीचे झाड़ू लगा के देखें तब आगे बात करने की कोशिश करें। मेरी राठौर जी से इतनी निवेदन है कि जो पिछली सरकार के कामों का जो परिणाम है उसी कारण से हमने तो इसको संभालने की कोशिश की है। वहीं ओवरलोडिंग से हो रही दिक्कतों पर अग्निहोत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने कोशिश की है कि ओवरलोडिंग ना हो। उन्होंने माना कि लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई रूटों पर कमी के चलते परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द नई बसें आ रही हैं जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। जहां तक ओवरलोडिंग का प्रश्न है, वैधानिक रूप से ओवरलोडिंग नहीं हो सकती है और जो अभी हाल में दुर्घटना भी हुई उसके कारण, उसका मुख्य कारण भी ओवरलोडिंग था। इस करके हम परिवहन विभाग ने ये कोशिश की है कि ओवरलोडिंग ना हो, लेकिन जहाँ तक लोगों की सुविधाओं की बात है, उनको असुविधा तो हो रही है कि जहाँ कई बार बसों जितनी मात्रा में बसें होनी चाहिए थी बसें नहीं हैं, लेकिन उसका एकदम से कोई विकल्प ढूंढना संभव नहीं है। हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा है कि एचआरटीसी 200 नई बसें खरीद रही है, ड्राइवरों की भर्ती चल रही है, कंडक्टरों की भर्ती होगी। हम लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे और सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस करके थोड़ी बहुत असुविधा लोगों को हो रही है, उसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन इसका तुरंत हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।